इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इतने बजे शुरू होगा पहला T20। रोहित राहुल नहीं बल्कि ये नई जोड़ी कर सकती है ओपनिंग। नमस्कार, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज की शुरुआत जल्द होने जा रही है। आपको बता दें कि 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 दिसंबर को शाम 7 बजे से राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको इस मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में विराट कोहली को आराम दिया गया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में कोहली की वापसी हुई है। ऐसे में एक बार विराट कोहली भारत की T20 टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। दोस्तों, वैसे तो इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिखर धवन की अनुपस्थिति में KL राहुल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उस नई ओपनिंग जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 में बतौर सलामी जोड़ी मैदान पर भेजा जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि T20 सीरीज के लिए संजू सैमसन को चोटिल शिखर धवन की जगह टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में पहले T20 में रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। भारत की संभावित 11, रोहित शर्मा, संजू सैमसन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल।